चलो भाई, ऑलमोस्ट सारे लोग आ गए हैं। जितनी देर में हम इसको रिवाइज करेंगे उतनी देर में पूरे हो जाएंगे 18 इंशाल्लाह। तो कंप्रेसिबिलिटी सबको क्लियर है भाई? क्वेश्चन आप कर ले, चैट बॉक्स इस्तेमाल करें। तो पैरा नंबर 2 लिखवाता हूँ मैं। चले पैरा नंबर 2 लिखे। शाबाश। पैरा नंबर 2। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कॉमा लार्ज स्पेसेस आर प्रेजेंट। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू, ये पैरा 2 मैं लिखवा रहा हूँ। अब सारे लोग पूरे हो गए 18 माशाल्लाह। तो पैरा नंबर 2 मैं लिखवाने लगा हूँ। According to kinetic molecular theory, large spaces are present between molecules of gases. Between molecules of gases. Full stop. When we apply external force, molecules become closer. Molecules become closer. करीब आओ। Molecules become closer to decrease volume of gas. Hence compressibility observed. Hence compressibility observed. चलिए भाई तीसरी हेडिंग डाल दें आप। चलिए थर्ड हेडिंग है हमारी प्रेशर। किसी को कंप्रेसिबिलिटी में कोई परेशानी है तो बता। किसी को कंप्रेसिबिलिटी में कोई टेंशन परेशानी नहीं है तो आखिरी हेडिंग है हमारा बिहेवियर का टॉपिक भी ऑलमोस्ट हो गया आज। छोटा टॉपिक कहलाएगा 3 नंबर का। तो हेडिंग डाल देनी है आपने प्रेशर। अच्छा अब आपको दे रहा हूं मैं दोबारा से 30 सेकंड। और जो भी मुझे चैट बॉक्स में ओके देगा मैं उसका माइक ऑन करूंगा और वो मुझे बताएगा कि जो स्लाइड आपको दिख रही है, अगर आपको मैं बोलूंगा मैं नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ स्लाइड की पहली लाइन देखो और पहली लाइन को पढ़ के और जहन में ला के दूसरों को समझाओ कि व्हाट इज प्रेशर फॉर गैस, तो क्या आप बता सकते हैं? 30 सेकंड है आपके पास ओके देने के लिए और फिर 30 सेकंड होंगे आपके पास बताने के लिए। चल चैट बॉक्स पे इस्तेमाल करें। स्लाइड की लाइन नंबर 1 के जरिए किसमें इतनी हिम्मत है कि वो प्रेशर को समझा सकता है फॉर अदर्स? पर स्लाइड को देख के पढ़ना नहीं है, अपनी लैंग्वेज में बात करनी है। जो ये पढ़ देगा स्लाइड की लाइन नंबर 1 वो हिम्मत ना करेगा, आपको अपने तौर पर बताना है, अपनी उर्दू में बताना। नहीं उर्दू में बताने, नॉट इन इंग्लिश। इंग्लिश में तो फिर आप, अच्छा इंग्लिश में मना नहीं, पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप इंग्लिश में।
नहीं नहीं चैट बॉक्स में नहीं बताना है, माइक ऑन करूंगा। माइक ऑन करने पे कौन बताना चाह रहा है जल्दी से ओके दे मुझे। एक तो गैलेक्सी एक्स गैलेक्सी सी फाइव, ये देखो मैं मोबाइल से बातें कर रहा हूँ इसका। इंग्लिश में बताओगी तो भी क्वेश्चन कर दूंगा मैं, उसका जवाब भी इंग्लिश में देना होगा। ओके है तो बोलो, इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगी फिर मैं क्वेश्चन भी करूंगा इंग्लिश में ही, फिर इंग्लिश में जवाब देना होगा। यस गैलेक्सी सी फाइव, एक तो नाम लिखा करो अपना आप लोग, यार कितना बुरा लग रहा है। चलो बताओ इंग्लिश में बताओ बोले। मैंने माइक ऑन कर दिया तुम्हारा। फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, थोड़ा जोर से। फोर्स अप्लाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर रिप्रेजेंट द प्रेशर ऑफ द गैस। Since gas molecules possess kinetic energy, so they collide with the wall of the container and apply force on it. The force acting on unit area is it the pressure applied by the gas. सही है, very good. चलें जी। चलिए मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जो एक्सप्लेन किया डेफिनेटली वो वर्डिंग है और वो पढ़ा हुआ होगा कहीं, तो मैं इसको अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ। बताया इन्होंने बिल्कुल सही है, लेकिन वो जाहिर सी बात है एक स्टैंडर्ड वर्डिंग वाला पैटर्न है, तो उस वर्डिंग वाले पैटर्न से पूरी तरह क्लियर होने में ज़रा मसला होता है, तो मैं आपको ज़रा समझाने वाली उर्दू में बात करता हूँ। देखिए भाई, हमने अभी इससे पहले ये पढ़ा कि गैस करती है डिफ्यूज़, ठीक है, बिल्कुल सादा उर्दू है, जहन में रखें सर। हमने पढ़ा गैस करती है डिफ्यूज़, यानी कि ट्रेवल करती है, ठीक है, डिफ्यूज टेक्निकल वर्ड है, आसान इंग्लिश है, ट्रेवल करती है। अब जब गैस ट्रेवल करेगी तो गैस जो है वो एम्बुलेंस तो है नहीं कि सायरन सुन के लोग जगह देंगे, रास्ता देंगे, गैस तो गैस है। जब वो ट्रेवल करेगी खुद से डिफ्यूज करेगी तो रास्ते में ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उन ऑब्जेक्ट्स में सब, जब ये गैस का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो सिर्फ कंटेनर की वॉल और कंटेनर का पिस्टन अब नहीं है, अब कोई भी चीज आ सकती है, कोई दीवार, कोई वॉल, मतलब कोई दीवार, कोई बिल्डिंग, कोई साइन बोर्ड, इवन मैं, इवन के मैं और आप भी सामने आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो जब गैस डिफ्यूज करते हुए ट्रेवल करती है तो रास्ते में ऑब्जेक्ट्स आते हैं, गैस उन ऑब्जेक्ट से करती है कोलाइड, और जैसी बात है रास्ते में आ जाएंगे तो कोलाइड करेगी, नॉन लिविंग बॉडी है, रास्ता तो नहीं बना के इधर मुड़ जाएगी, कोलाइड करेगी। और अब आ गई फिजिक्स के, जहां पर भी कोलिजन होगा वहां पे फोर्स होगा, और जहां पे फोर्स होगा वो प्रेशर होगा, यूनिट एरिया वाला फोर्स जो कि इन्होंने बताया बिल्कुल सही है कि जो फोर्स यूनिट एरिया पे लगे वो प्रेशर है, सही बात हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं कि गैस करती है डिफ्यूज, आज ही पढ़ा, डिफ्यूज करती है तो रास्ते में आते हैं ऑब्जेक्ट्स, रास्ते में ऑब्जेक्ट्स आते हैं तो गैस उनसे करती है कोलिजन, टकराव, ऐसा करने पर गैस उनके ऊपर क्या लगाती है फोर्स, और फोर्स लगाने का मतलब है गैस उनके ऊपर क्या लगाती है प्रेशर। अब ये प्रेशर इतना कम भी हो सकता है कि ये आपकी कॉपी का जो पेज है उसको उड़ाए, ऐसा होता है ना, आपकी कॉपी का पेज खुद से उड़ता है, कौन उड़ाता है, हवा उड़ाती है, आप पूछो भाई क्यों उड़ा, बोलेंगे हवा उड़ा रही, यानी हवा उस पर क्या लगा रही है प्रेशर। और ये इतना ज्यादा भी हो सकता है कि ये बिल पूरे पूरे साइन बोर्ड गिरा देती है, आपने देखा होगा, अल्लाह ना करे ऐसा होता है, लोग जख्मी भी होते हैं। और ये प्रेशर इतना ज्यादा भी हो सकता है कि पूरी पूरी बिल्डिंगें भी गिराता है, आपने वीडियोस देखी होंगी बिल्डिंगें गिर रही हैं, कोई आपसे पूछे इस वीडियो में बिल्डिंग को कौन गिरा रहा है, आप वही बोलेंगे, आप बोलेंगे हवा गिरा रही है। ये मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कि हवा क्या लगा सकती है, फोर्स या प्रेशर लगा सकती है, कम या ज्यादा। चलें पैरा नंबर वन लिखते हैं, ठीक। गैसेस हैव द एबिलिटी
gases have the ability to diffuse. Gases have the ability to diffuse and collide with. Gases have the ability to diffuse and collide with. To diffuse and collide with other substances. Diffuse and collide with other substances. Other substances to exert force or pressure. Other substances to exert force or pressure. To exert force or pressure. चले मैं किसी को पैरा नंबर वन में कोई कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स इस्तेमाल करें. लेक्चर के आखिरी दो तीन मिनट रह गए. ठीक. किसी को डेफिनेशन में कोई परेशानी. अच्छा मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको और एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा मैं कल. ठीक है. मैं एक्सप्लेनेशन सुने. अब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अलग स्टाइल में शुरू हो रही है. जैसे भी पिछले दोनों क्रिकेट चल रही थी है ना भाई. क्रिकेट चल रही है. आखिरी वाला मैच पाकिस्तान जीत गया सबको पता होगा. इतना तो पता रखते हैं लोग. फेसबुक की वैसे भी पता चल जाता है. अब आपने नोट किया होगा कि जो जो लोग बातें करते हैं क्रिकेट के बारे में वो मैच खत्म होने के बाद किस तरह बात करते हैं. वो बोलते हैं यार आज पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली मैच जीत गई. आज पाकिस्तान की टीम बहुत बुरा खेली मैच हार गई. ऐसा बोलते हैं ना. सुना होगा आपने. पर खास बात क्या है. खास बात यह है कि खेल पाकिस्तान की टीम नहीं रही है. खेल तो खिलाड़ी रहे. हफीज अच्छा खेल रहा है या फखर जमान बुरा खेल रहा है ना भाई. या शादाब ने खराब खेला. इस तरह की ऐसा जुमला बोलना चाहिए ना. पर मैच खत्म होने के बाद बोलते हैं यार पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला. इसका मतलब है बिहेवियर है खिलाड़ियों का. अच्छा खेलना बुरा खेलना कहला किसका रहा है. टीम का कि यार बहुत अच्छा टीम खेली. अगली एग्जाम्पल वेरी क्विक. जब जंग हो रही होती है तो सोल्जर वहां लड़ते हैं. आपको पता है माशाल्लाह सोल्जर लड़ते हैं. शहादत नसीब होती है बहुत सारों को. जीत भी जाते हैं कभी अल्लाह ना करे हारते भी हैं. तो किस तरह से बात की जाती है उनके बारे में कि यार हमारी जो फौज है फोर्सेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जंग लड़ते हैं. तो आप बोलते हैं हमारी फोर्स बहुत अच्छी तरह से जंग लड़ रही है. ऐसा बोलते हैं ना. आखिरी मिनट अल्लाह सुनना है. तो आप ये बोलते हैं कि भाई आपकी जो फोर्सेज हैं वो बहुत अच्छा बहुत लड़ने में अच्छी हैं बहुत बहादुर हैं. लेकिन लड़ तो सोल्जर रहे हैं. तो उसका मतलब है बिहेवियर सोल्जर का है कहला किसका रहा है फौज का. आखिरी एग्जांपल है आप लोगों की. मिसाल के तौर पर आप स्कूल में सेंटर तो आप आए नहीं. आप स्कूल में अब आपकी कोई मैट्रिक क्लास है. अब किसी ने बोलता है आपकी क्लास बहुत शोर करती. तो टीचर ने आपसे बात करते हुए बोला कि यार मैट्रिक तो मैट्रिक सी है आपकी क्लास. क्लास टीचरों ने आपस में बात करते हुए बोला कि यार मैट्रिक सी जो है ना वो बहुत शोर करने वाली क्लास है. मैट्रिक सी बहुत शोर करती है. तो शोर करना बिहेवियर किसका है स्टूडेंट्स का. शोर कर रहे हैं स्टूडेंट्स पर वो कहला किसका रहा है क्लास का. मैट्रिक सी का बिहेवियर कहला रहा है. तीन एग्जाम्पल मैंने दी जिसके बाद आपको खुद से समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि गैसेस जो प्रेशर लगाती है वो कहलाता गैस का है पर वो गैस का नहीं है. वो प्रेशर है मॉलिक्यूल का जो आपने आज ही पढ़ा. तो प्रेशर लगाना किसका बिहेवियर है मॉलिक्यूल का. पर जब बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर प्रेशर लगाते हैं तो उसको ये बोलने के बजाय कि ये मॉलिक्यूल का प्रेशर है ये बोला जाता है कि ये गैस का प्रेशर है. जैसे बहुत से लोग मिलकर शोर करेंगे तो नाम लेके बोलने के बजाय ये कहा जाएगा कि ये ग्रुप शोर कर रहा है. तो बिहेवियर किसका है मॉलिक्यूल का कहलाता किसका है गैस का. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. इंशाल्लाह कल हम मुलाकात करेंगे इसी टाइम पे. सारे लोग रेगुलर रहे 19 लोग अभी हैं. एक बंदा
कोई बाद में आया है तो शायद नेट वेट का इशू होगा। अब आपने सबने रेगुलर रहना है सब लोगों ने, और कल इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, सबको क्लियर हो गया होगा, कोई भी मसला होता है तो कल फिर बात कर लेंगे। और कल इंशाल्लाह हम पहला लॉ शुरू करेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉइस लॉ। कोई छुट्टी ना करे, तगड़ी पढ़ाई चल रही है, रेगुलर रहना है, कोई भी मसला होता है ग्रुप पे मुझसे डायरेक्ट सवाल कर लेना, हेजिटेशन के बगैर। चले ठीक है भाई, तो लेक्चर यहाँ एंड कर रहे हैं, रेगुलर रहना है, कल आपसे बात होगी, ठीक हो गई बात। अल्लाह हाफिज़।